दोस्तों, कई मरीज हमारे पास होमोसिस्टीन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आते हैं और उसके बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं। तो यह वीडियो हमने होमोसिस्टीन के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए बनाया है। होमोसिस्टीन एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो शरीर में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। होमोसिस्टीन अगर आपके शरीर में बढ़ गया है तो यह चिंता का कारण हो सकता है। वो क्यों हो सकता है और उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो के साथ हमारे से जुड़े रहें। होमोसिस्टीन जो आपका बॉडी में अमीनो एसिड है, वह आमतौर पे पुरुषों में महिलाओं की तुलना में उसका लेवल ज़्यादा होता है। महिलाओं में होमोसिस्टीन का लेवल मेनोपॉज के बाद या फिर आपके जो हार्मोन डिस्टर्बेंस अगर हो रहे हैं तो उसके बाद बढ़ सकता है। शरीर में पाए जाने वाले एसेंशियल विटामिन्स जैसे कि फोलिक एसिड, विटामिन B6 और विटामिन B12 अगर आपके शरीर में कम हो रहे हैं तो एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स में शरीर में होमोसिस्टीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि चिंता का विषय हो सकता है। यह होमोसिस्टीन के बढ़ने का सबसे आम कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो होमोसिस्टीन बढ़ने का हो सकता है, वह होता है कार्डियक डिजीज। होमोसिस्टीन अगर आपके शरीर में ज़्यादा है तो कार्डियक रिस्क, स्ट्रोक होने का रिस्क, मतलब आपको ब्रेन और हार्ट से दिमाग और दिल की समस्याओं का रिस्क ज़्यादा रहेगा। अगर आपकी उम्र बढ़ती है तो भी होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ सकता है, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी आपके ब्लड लेवल में होमोसिस्टीन बढ़ सकता है। कुछ स्पेशल दवाइयां जैसे कि कुछ एपिलेप्टिक मेडिकेशंस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मेथोट्रेक्सेट, यह सब दवाइयां भी शरीर में होमोसिस्टीन की मात्रा बढ़ा सकती हैं। होमोसिस्टीन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर बड़ी हुई मात्रा में है तो डेफिनेटली प्रोटीन सप्लीमेंट्स और विटामिन सप्लीमेंट्स आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। खास तौर पे फोलिक एसिड आपको जो है सप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड सप्लीमेंट करने से हम शरीर में होमोसिस्टीन के लेवल्स को कम कर सकते हैं। दो डिजीज़ के बारे में और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको किडनी की डिजीज़ है तो भी होमोसिस्टीन के लेवल बढ़ सकते हैं, और एक कंजेनाइटल डिजीज़, मतलब बचपन से एक डिजीज़ कई लोगों में होती है जिसको होमोसिस्टीन यूरिया बोलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण एंजाइम सिस्टाथायोन बीटा सिंथेटिस एंजाइम की कमी के कारण हो सकता है, जिससे आपके पेशाब में जो है होमोसिस्टीन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में होमोसिस्टीन का उत्पादन बढ़ जाता है। तो यह भी एक रिस्क फैक्टर होता है होमोसिस्टीन बढ़ने के लिए। अगर होमोसिस्टीन की बात करें तो 15 माइक्रोमोल पर लीटर तक की इसकी जो लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल माने जाते हैं। अगर 15 से 30 हैं तो मॉडरेट, 30 से 100 तक है तो इंटरमीडिएट, और अगर 100 मिली माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा आपके होमोसिस्टीन के लेवल्स हैं तो इसको ज़्यादा लेवल्स कंसिडर किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो है थोड़ा हृदय की तकलीफ और स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखें, सारे प्रोटेक्टिव फीचर्स, एक एक्टिव लाइफस्टाइल का पालन करें, और साथ ही साथ फोलिक एसिड का इंटेक जरूर करें, क्योंकि फोलिक एसिड एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर में जो होमोसिस्टीन से रिलेटेड जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको कम कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन बातों के माध्यम से मैंने आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन्स थे होमोसिस्टीन के बारे में वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिख के हमको भेज सकते हैं। धन्यवाद।